लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे से 3 दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं की बैठक 1 जून को बुलाई है। आखिरी चरण की वोटिंग के दिन दिल्ली में इंडिया गठबंधन के आला नेता 2024 के चुनाव की समीक्षा और आगे की रणनीति बनाने पर मंथन करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की बैठक में शिरकत नहीं करेंगी, जबकि इससे पहले उन्होंने विपक्षी गठबंधन को बाहर से समर्थन देने की बात कही थी। इस तरह ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन से कभी पास तो कभी दूर नजर आती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ममता वेट एंड वॉच की मूड में नजर आ रही हैं? पीएम मोदी और बीजेपी को सत्ता की हैट्रिक लगाने से रोकने के लिए कांग्रेस सहित करीब 30 से ज्यादा छोटे बड़े विपक्षी दल एक साथ एक मंच पर आए और गठबंधन कर चुनाव लड़ने का फैसला किया। इसे इंडिया गठबंधन का नाम दिया गया, जिसका सुझाव ममता बनर्जी ने दिया था। हालांकि कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बनने पर ममता ने बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। ममता ने 2024 में एकला चलो का फैसला किया, लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ बने रहने की बात भी करती रहीं। ममता बनर्जी ने चुनाव नतीजे के बाद इंडिया गठबंधन को बाहर से समर्थन देने की बात कही थी, लेकिन चुनाव की परिस्थितियों के मद्देनजर होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक से शिरकत करने से अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। ममता बनर्जी ने पत्रकारों से कहा कि 1 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि बंगाल में चुनाव और रेमल चक्रवात के कारण व्यस्त हूँ। मेरी प्राथमिकता चक्रवात से लोगों के लिए राहत सुनिश्चित करना है। हालांकि ममता बनर्जी ने अपनी जगह पर अपने प्रतिनिधि को इंडिया गठबंधन की बैठक में भेजने की बात कही है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी भले ही आखिरी चरण की वोटिंग और साइक्लोन को आधार बनाकर इंडिया गठबंधन की बैठक से दूरी बना रही हों, लेकिन राजनीतिक पंडित उसे ममता बनर्जी के सियासी रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं। ममता बनर्जी चुनाव से पहले अपने पत्ते नहीं खोलना चाहती हैं। इस बार चुनावी एक्सपर्ट भी चुनाव नतीजों का सही अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं और ना ही ये बताने की स्थिति में हैं कि किसकी सरकार बनने जा रही है। लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी की कोई लहर नहीं दिख रही, जिसके चलते नतीजे बहुत चौंकाने वाले हो सकते हैं। इसलिए ममता बनर्जी बहुत ही फूक फूक कर कदम बढ़ा रही हैं और नतीजे के बाद अपनी भूमिका को बनाए रखना चाहती हैं। माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में शामिल होकर अपने स्टैंड को फिलहाल क्लियर नहीं करना चाहती हैं और चुनाव नतीजे के बाद ही अपनी तस्वीर साफ करना चाहती हैं, इसलिए इंडिया गठबंधन से कभी दूर तो कभी पास नजर आती हैं। ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव के नतीजे से पहले विपक्षी खेमे के साथ खुलकर नहीं खड़ी होना चाहती। वो अपनी जीती सीटों की संख्या और उसकी जरूरत के आधार पर मोलभाव करके इंडिया गठबंधन में शामिल होने की सोचेंगी। ममता बनर्जी के द्वारा बताई इन वजहों को बीजेपी ने इंडिया गठबंधन से कन्ने काटने का बहाना बता रही है। बीजेपी नेता सैयद सफर इस्लाम का कहना है कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल न होने के लिए चुनाव के अंतिम चरण का बहाना बनाया है, जबकि वोटिंग के दिन बंगाल में उनका क्या काम है। वहीं टीएमसी की ओर से कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की तमाम बैठकों में शामिल होती रही हैं, लेकिन 1 जून को अंतिम चरण का चुनाव है। बंगाल की 9 सीटों पर वोटिंग है, लेकिन उससे भी ज़्यादा राज्य पर तूफानी चक्रवात का संकट बना हुआ है, इसलिए वो अपने प्रतिनिधि को भेज रही हैं। टीएमसी विपक्ष की हर बैठक में शामिल रही हैं और आगे भी हिस्सा लेती रहेंगी।